कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन का पालन कराने के साथ ही गरीब तबके के लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने के साथ साथ लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की जा रही है। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने सभी से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहने के लिए प्रेरित करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने तथा नियम कानून नहीं मानने वालों और उदंडता करने वालों के लोगों के साथ सख्ती से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य नियमों का पालन करने, अपने बचाव और सावधानी पर पूरा ध्यान देने तथा खुद अपने बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी। इस दौरान इंस्पेक्टर बेलीपार संतोष कुमार सिंह, एसआई सुधीर कुमार, कांस्टेबल रोहित कुमार, सुशील कुमार, कार्तिक अनुराग और महिला कांस्टेबल सोनी सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ले जा बस हो गया, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ से ले, फटे ना। अपनी गाड़ी साइड कर लीजिए भैया, साइड में कर लीजिए, साइड में कर लीजिए। तक है ये सबको मालूम होना चाहिए, अभी छूट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे यूजुअल जैसा चल रहा तो ऐसे ही चलेगा। कुछ जो छूट दी गई है वो सब कृषि कार्य, पशुपालन और ये सब जो है वो पहले से भी है और उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। कुछ सरकारी कार्यालय में जो शासन के आदेश के अनुसार 50% लोगों को लाना और ये सब वो अनुमन्य किया गया है। थोड़ी लिमिटेशन है निर्माण कार्य के लिए, जो सरकारी निर्माण कार्य हैं उनके लिए छूट दी गई है। पब्लिक को ऐसे फ्रिक्वेंटली घूमने का कोई छूट नहीं है और ना ही उसमें किसी को कोई रिलैक्सेशन है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो होंगी, उसके लिए हमेशा के लिए छूट है, शुरू से ही उसको छूट दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे ये अवगत कराइए कि तब तक 3 मई तक अगर लॉकडाउन है तो उसका पूरी तरह अनुपालन करें। अगर कहीं बैंक्स और कहीं कोई जा रहा है तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर देखा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों या अपराध को अंकुश लगाने में काम कर रहा था, आज के समय में यही पुलिस विभाग जो गरीब असहाय लोग हैं इन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहा है, इस क्रम में आपके द्वारा भी इस तरह का कार्य किया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अब ये पुलिस का काम निश्चित रूप से क्राइम क्रिमिनल पे है, लेकिन उसके अलावा भी सोशल व्यक्ति है कि सामाजिक है और ये सब मानवता के काम है, इसमें कोई वो नहीं है, काम करना चाहिए। सर लॉकडाउन को लेके और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेके आम जनमानस से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरा यही अपील है कि अगर सभी लोग अपने आप को सेफ रखें, घर में रहें, कम से कम मूवमेंट करें और अगर कहीं बाहर निकलना है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और मास्क जरूर लगाएंगे, इससे हमें लगता है कि हम लोग जल्दी इससे इस महामारी से उबर जाएंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे और सही पूरी तरह से सामान्य स्थिति हो जाएगी।